गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अकाउंट्स कौन कौन से हैं जो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी आप ओपन करते हैं। पहला है कंसाइनर अकाउंट और दूसरा है कमीशन अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। इस अकाउंट में जो भी सेल्स कंसाइनी ने किए हैं कंसाइनर के लिए, जो भी एक्सपेंसेस उसने इनकर किए हैं, कमीशन उसकी, और जो भी अमाउंट पेबल है कंसाइनर को, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो कमीशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, और इस अकाउंट में आप क्रेडिट करते हैं अमाउंट ऑफ कमीशन जो कंसाइनी ने रिसीव करनी है, जो कंसाइनी को मिलनी है, और इस अकाउंट को आप क्लोज करते हैं इसका जो बैलेंस है ट्रांसफ़र करके क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो अब देखते हैं हम जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, जब भी जो आपका कंसाइनमेंट जब शुरू हो रहा है और कैसे वो एंड होता है। तो जो आपकी जर्नल एंट्रीज हैं वो एक कंसाइनर के बुक में क्या होगी और कंसाइनी के बुक में क्या होगी। तो आप जब इसे देख रहे हैं जर्नल एंट्रीज को कैसे हो रही हैं, तो आप इसका सीक्वेंस कैसे समझ सकते हैं, एक स्टोरी की तरीके से, कि सबसे पहले कंसाइनर जो है उसने गुड्स को सेंड किया तो गुड्स सेंड करने की एंट्री हुई, फिर कंसाइनी ने गुड्स को रिसीव किया तो तब एंट्री किसकी बुक में क्या होनी है, रिसीव करने के बाद कुछ एक्सपेंसेस भी हैं जो इनकर किए होंगे कंसाइनी ने जब उसे भेजा होगा, कंसाइनी ने उसे रिसीव किया होगा, रिसीव करने के बाद उसने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे। तो किस तरीके से वो पूरा सीक्वेंस प्रोसेस फॉलो होता है वो आप जर्नल एंट्री से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जो फर्स्ट एंट्री होनी है दैट इज फॉर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ये एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर गुड्स को सेंट करने के लिए। तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जब कंसाइनी ने गुड्स को रिसीव किया तो कोई एंट्री वो नहीं करता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देन एडवांस पेमेंट कंसाइनी ने जो की है उसकी एंट्री कंसाइनर की बुक्स में। बैंक और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अब कंसाइनी ने जो एडवांस सेंड किया कंसाइनर को तो उसकी एंट्री वो अपनी बुक्स में करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट। देन जो कंसाइनर है वो उस बिल को डिस्काउंट करवा सकता है, तो डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल के लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होगी इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी, क्योंकि कंसाइनी का उससे अभी कुछ लेना देना नहीं है। देन कंसाइनर जो है उसने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे जब उसने कंसाइनमेंट भेजा होगा, तो उसकी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन एक्सपेंसेस कंसाइनी ने भी कुछ इनकर किए होंगे, वो भी एंट्री उस चीज़ की करेगा क्योंकि वो कंसाइनमेंट से ही रिलेटेड है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अब जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर उसके लिए वो एंट्री रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन कंसाइनी की कमीशन के लिए एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कमीशन रिसीवेबल के लिए एंट्री कंसाइनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। देन गुड्स जो सोल्ड की हैं कंसाइनी ने उसकी एंट्री कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जो गुड्स सोल्ड की हैं कंसाइनी ने ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, तो कंसाइनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेप्टर अकाउंट डेबिट अगर क्रेडिट सेल्स की है टू कंसाइनर अकाउंट। देन अगर कुछ गुड्स रिटर्न की हैं कंसाइनी ने तो उसके लिए एंट्री कंसाइनर की बुक्स में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये जो स्टॉक होगा आपका कंसाइनमेंट एट द बिगिनिंग जो था उसके लिए एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जब ये एंट्रीज हो रही हैं तो इसका कंसाइनी की बुक्स में एंट्रीज
कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि उससे उसका कोई लेना देना नहीं। गुड सेंट हो गई, उसके बाद वो अपना जो कंसाइनर है, जो अपनी वो बुक्स मेंटेन कर रहा है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, गुड्स को ट्रांसफ़र करना है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट है, उसको ट्रांसफ़र करना है, उसका कंसाइनी की बुक से कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी कोई भी एंट्री कंसाइनी की बुक में नहीं होगी। देन फॉर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एट द एंड के लिए कंसाइनर की बुक में एंट्री, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रॉफिट अगर उसे कंसाइनमेंट पे हुआ है तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। देन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। डिस्काउंट जो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज जो था आपका, अगर उसे आपने डिस्काउंट पे करवाया, डिस्काउंट करवाया है बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो आपका जो डिस्काउंट होगा वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा और उसे आप ट्रांसफ़र करेंगे पी एंड एल अकाउंट में। तो डिस्काउंट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। देन कंसाइनी की अकाउंट में जो एंट्री होनी है दैट इज़ जो उसने कमीशन अर्न की है, तो कमीशन को ट्रांसफ़र करने की एंट्री कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन अगेन जो सेटलमेंट है कंसाइनर अकाउंट का, उसे सेटल करने के लिए कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कंसाइनर की बुक में फॉर फाइनल सेटलमेंट ऑफ कंसाइनी अकाउंट बैंक अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, और कंसाइनी की अकाउंट में उसको पेमेंट करने के लिए बिल्स पेबल की, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें एक चीज़ दैट इज़ कि जब कंसाइनी रिसीव करता है गुड्स तो वो उसका ऑनर नहीं है गुड्स का, तो ना क्योंकि ना तो उसने वो परचेज़ की है ना ही उसके लिए वो लायबिलिटी बनी है, इसीलिए जो कंसाइनी है जब वो गुड्स को रिसीव कर रहा है तो उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं हो रही है। लेकिन जो कंसाइनी है वो रिकॉर्ड रखता है जो भी एक्सपेंसेस उसने इंकर किए हैं खुद, सेल्स कमीशन या अदर जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप उसका कंसाइनर से है, उन एक्सपेंसेस को वो रिकॉर्ड रखता है। जो डिस्काउंट है उसे आप दो तरीके से डील कर सकते हैं, इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर सकते हैं इसे एज एन ऑर्डिनरी फाइनेंशियल एक्सपेंस मानकर, या आप इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में शो कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस जो आपका कंसाइनमेंट पे आपने इंकर किया है। जो कंसाइनी है उसका कोई कंसर्न नहीं है जब उसे गुड्स रिसीव हुई हैं या फिर जो अनसोल्ड स्टॉक उसके पास पड़ा है, क्योंकि वो अनसोल्ड स्टॉक है किसका, वो है कंसाइनर का। तो जो इसके अलावा जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने इंकर किए हैं उससे भी कंसाइनी का कुछ लेना देना नहीं है, तो कंसाइनी कोई भी एंट्री उसके रिगार्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करेगा। देन जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है कंसाइनमेंट पे वो भी किसका है, कंसाइनर का है, कंसाइनी का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए भी वो कोई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड एंट्री नहीं करेगा। देन नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कंसाइनमेंट में आपने जो कंसाइनर है उसने गुड्स भेजी कंसाइनी को, कंसाइनी ने गुड्स सोल्ड कर दी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी गुड्स को सोल्ड कर देगा, हो सकता है कुछ गुड्स उसके पास अनसोल्ड पड़ी रहें। अब उस अनसोल्ड गुड्स को, अनसोल्ड स्टॉक जो है उसको कैसे आप उसका अमाउंट निकालते हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक आपका होता है उसको कैसे वैल्यू अप करते हैं, तो वो रूल तो फॉलो यहाँ पे भी होता है जो आप पीछे अकाउंट्स में करते आ रहे हैं, दैट इज़ कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पर शो किया जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसे कैलकुलेट करने के लिए जो कुछ मेथड है वो फॉलो किया जाता है, वो क्या है कि एक तो जब कंसाइनमेंट भेजा है कंसाइनर ने तो किस प्राइस पर उसने भेजा है, प्लस उसके अलावा भी उसने उसके ऊपर एक्सपेंसेस इंकर किए हैं, ट्रांजिट में इंश्योरेंस लिया होगा या ऑक्ट्राई पे किए होंगे या फ्राइट दिया होगा, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो भी हैं उसका प्रोपोर्शनेट पार्ट भी उस क्लोजिंग स्टॉक में ऐड
होता है। सेम तरीके से हो सकता है जो कंसाइनी है, जब उसने गुड्स रिसीव की तो जब तक गुड्स उसके गोडाउन तक नहीं पहुंची तब तक जो उसने खर्चा किया, जो हमने ऊपर बात की कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, तो जब तक उसने गुड्स नहीं भेजी तब तक जो भी खर्चा हुआ उसका भी प्रोपोर्शनेट उसमें ऐड होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूएट करते हैं अनसोल्ड स्टॉक को। तो क्या मेथड है हम देखते हैं। तो पहले तो जैसे हमने बोला कि उसी तरीके से कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस को हम शो करते हैं। देन आता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस जिससे जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो इंक्रीज होती है उसे हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो जो प्रोपोर्शनेट शेयर है इन एक्सपेंसेस का, इसे आप ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स में जब आप वैल्यू कर रहे हैं अनसोल्ड स्टॉक को। और इन एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, एक्सपेंसेस जो इंकर किए हैं कंसाइनर ने फॉर परचेजिंग दी गुड्स या फिर फॉर सेंडिंग दी गुड्स टू कंसाइनी। देन जो भी एक्सपेंसेस इंकर किए हैं कंसाइनी ने गुड्स को अपने गोडाउन तक लाने के लिए, जैसे फ्राइट, कैरेज, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राई, एक्साइज ड्यूटी, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस एसेट्रा। जब आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हो, अनसोल्ड स्टॉक करते हो, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो भी हुए हैं, चाहे कंसाइनर ने पे किए हैं चाहे कंसाइनी ने पे किए हैं, उसका प्रोपोर्शनेट पार्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आपका है अनसोल्ड स्टॉक है जो, उसमें ऐड होगा। देन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो हैं उसका ऐड नहीं होता है जब आप वैल्यू करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं अनसोल्ड स्टॉक की। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज नहीं करते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स को, बट जो आप ये रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो करते किस लिए हो, ताकि आप मेंटेन कर सको सेलिंग कर सको गुड्स की, तो उसे हम रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, सनड्राई एक्सपेंसेस, वॉचमैन सैलरी एसेट्रा। इनके प्रोपोर्शनेट को हम ऐड नहीं करते हैं जब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं अनसोल्ड स्टॉक का। देन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ये तो कॉस्ट के बेसिस पे आपने निकाला, अब मार्केट प्राइस के बेसिस पे कैसे निकालेंगे। हमें लेना तो क्या है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे हमने शो करना है। कॉस्ट प्राइस तो हमने देख लिया कैसे निकालेंगे, अब हम देख रहे हैं कि मार्केट प्राइस आप कैसे निकालते हो। मार्केट प्राइस का मतलब है नेट प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उसे माइनस करके मार्केट प्राइस से। तो जो कंसाइनमेंट स्टॉक है वो वैल्यू किया जाता है एट कॉस्ट प्राइस और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। तो क्या प्रोसेस है, देखिए पहले स्टेप में हम जब ऑन कॉस्ट प्राइस उसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स विद द कंसाइनी, उसमें ऐड कर रहे हैं हम प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो इनकर किए हैं कंसाइनी ने और प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो इनकर किए हैं कंसाइनी ने, मतलब कंसाइनर ने और कंसाइनी ने जो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर किए हैं उनका प्रोपोर्शनेट। तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब नेट रिलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इनटू रिलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट, इसमें से हम माइनस करते हैं रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, दैट इज कमीशन जो आप दे रहे हैं सेल्स पर। तो आपका आ जाता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू। अब इन दोनों को आप कंपेयर करते हैं विच एवर इज लेस, उसके ऊपर आप वैल्यू करते हैं अनसोल्ड स्टॉक को। कई बार जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें डिटेल नहीं गिवन होती रिगार्डिंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, तो उस सिचुएशन में जो भी प्रोपोर्शनेट शेयर है एक्सपेंसेस का जो इंकर किए हैं कंसाइनर ने उसे हम ऐड करते हैं इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और जो भी एक्सपेंसेस कर रहा है कंसाइनी उसे हम कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। इसका हम क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।